साथ मैं पूजा जाधवन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी की ज्योति मिर्धा और इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल की वजह से सियासत के पारे में जमकर उबाल है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं। इस बीच ज्योति मिर्धा भी हनुमान बेनीवाल पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बेनीवाल को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता को आंख उठाकर देखा तो शॉट मार मार कर हाल खराब कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले ज्योति मिर्धा का ये वीडियो आप देखिए। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माधपुरा में यहाँ से, अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाएगा तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। और सुनो, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर देंगे। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि आकर के बूथ के ऊपर आपको रोक सके। बता दें कि ज्योति मिर्धा भी अब बेनीवाल को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। बेनीवाल की ओर से तीखे व्यंग्य बाण छोड़े जाने के बाद ज्योति मिर्धा भी काफी आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही। उन्होंने बेनीवाल को जमकर आड़े हाथ लेते हुए हमला किया है। ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल को बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि यदि मेरे एक भी कार्यकर्ता को आंख उठाकर देखा तो शॉट मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद नागौर की सियासत का पारा हाई हो गया। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की गढ़ खिवसर में जमकर हमले बोले। ज्योति मिर्धा ने इस कदर तीखा हमला बोला कि इस मौके पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। मिर्धा ने बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भय का वातावरण फैला रखा है। वो कहते हैं कि राज किसी का हो, काम मेरे कहने से ही है। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ कि बिना बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा के यहाँ लट्टू भी जल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल के राजा राम मील को लेकर दिए बयानों की हंसी भी उड़ाई। उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए करारा हमला किया और कहा कि उनका तो अलाइनमेंट ही बिगड़ चुका है। बता दें कि बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने एमएल लाठर को डीजीपी बनाने को लेकर जाट नेता राजाराम मीन पर भी बयानबाजी की थी। इसके बाद से लगातार ज्योति मिर्धा अब हनुमान बेनीवाल पर निशाना साध रही है। ज्योति मिर्धा के इस बयान पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।